नमस्कार, एम ऑफ लर्निंग में आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है प्रताप नारायण मिश्र। मैंने मिश्र जी से संबंधित कुछ बहुविकल प्रश्न तैयार किए हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। यह है आपका पहला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म कब हुआ था? तो यह चार सन है, आप सेलेक्ट करिए, आपका टाइम अप शुरू होता है। और सही उत्तर है 1856 ईस्वी में। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा है, प्रताप नारायण मिश्र जी का निधन किस सन में हुआ था? तो इसके चार ऑप्शन हैं। टाइम शुरू हो चुका है, इसका सही उत्तर है 1894 ईस्वी। तीसरा प्रश्न है आपका, प्रताप नारायण मिश्र ने किस पत्रिका का संपादन किया था? ये चार ऑप्शन हैं, ब्राह्मण, सरस्वती, कादम्बिनी और प्रतीक। सही उत्तर है ब्राह्मण पत्रिका का। निम्न में से कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की है? तो चार ऑप्शन आते हैं, भारत दुर्दशा, गौ संकट, हट्टी हम्मी या फिर सभी। सभी उत्तर है सभी, यानी कि ऊपर जो भी दी गई है वो सारी रचनाएं मिश्र जी की हैं। बात निबंध के लेखक कौन है? यहां पर चार ऑप्शन आते हैं, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न, प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक थे? सही उत्तर है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस साहित्यकार को अपना गुरु माना करते थे? सही उत्तर होता है आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जी, इस प्रश्न का सही उत्तर है कानपुर, यानी कि प्रताप नारायण मिश्र उन्नाव जिले से कानपुर आकर बस गए थे। अगला है, मिश्र जी ने ब्राह्मण और पत्रिका का संपादन किया था, यानी ब्राह्मण के साथ कौन सी पत्रिका थी जिसका संपादन मिश्र जी ने किया था? इसका सही जवाब हिंदुस्तान पत्रिका का। कौन सी रचना प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? ये चार रचनाएं हैं, इनमें से कौन सी है जो प्रताप नारायण मिश्र की नहीं है? जी, सही जवाब है प्रेमाश्रय। यह रचना मिश्र जी की नहीं।